हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नॉलेज गेनर चैनल। यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर बिगिनर्स वीडियो सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक एलिमेंट्स को कवर करेंगे। इससे पहले कि हम ये वीडियो में आगे जाएं, मैं इस वीडियो सीरीज के बारे में बताता हूँ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एकदम जीरो या बेसिक लेवल से लेके बिगिनर टू मीडियम लेवल तक सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो सीरीज आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों सीखना चाहिए। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठा लो, जैसे आप न्यूज़पेपर्स उठा लो या फिर अपनी कॉलेजेस या स्कूल्स के जो एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं वो देख लो, या आप कोई भी ऑथर की बुक देख लो, या फिर कोई भी कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन देखो, या फिर कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स थेसिस वगैरह लिखते हैं वो देखो। ये सब में आपको कहीं ना कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, और उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो ये स्किल आपके लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपने अपने सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल कर रखा है या नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टाइप हियर फॉर सर्च पे जाना है, आपको वर्ड टाइप करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऐप या सॉफ्टवेयर दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होते हुए दिखेगा, और यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के लेआउट्स दिखेंगे, जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर, नंबर्स कलरिंग बुक। आप कोई सा भी एक लेआउट अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर ये एक डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो गया। अगर आप जानना चाहो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन क्या है, तो उसके लिए आप फिर से टाइप हियर फॉर सर्च पे आओ, आप वर्ड टाइप करो, आप ये ऐप पे राइट क्लिक करो और फिर ओपन फाइल लोकेशन पे जाओ। ओके, तो ये देखो वर्ड सेलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मेरा वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो 2016 है या 2016 है। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हो कि आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा वर्जन है। इसके बाद हम सीखेंगे कि अगर आपके सिस्टम में या लैपटॉप में पहले से ही कुछ वर्ड फाइल्स है तो आप उन्हें ओपन कैसे करें। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपको यहाँ फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है, फिर आप ब्राउज करो। तो आपको मतलब आपकी फाइल्स जहाँ पे भी है वो पर्टिकुलर पाथ यहाँ पे आपको सेट करना है, और जितनी भी फाइल्स ओपन करनी है, एक दो जो भी है, जैसे मेरे को ये दो फाइल्स ओपन करनी है तो मैं सेलेक्ट करूँगा और ओपन पे क्लिक करूँगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि समरी और रिजल्ट्स वाली दोनों डॉक्यूमेंट्स है वो ओपन हो चुके हैं। तो ये पहला तरीका था कि आप कैसे डॉक्यूमेंट्स ओपन करें। दूसरा तरीका है कि आपकी फाइल्स जहाँ पे भी हो आपको वहाँ पे जाना है। लेट्स से मैं एब्स्ट्रैक्ट वाला फाइल है उसको ओपन करना है मेरे को, तो इस पर क्लिक करो और होम टैब में आपको ओपन का ऑप्शन दिखेगा तो उस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप इस पर राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सीखा कि आप अपने सिस्टम में जो पहले से वर्ड फाइल्स हैं उनको ओपन कैसे करें। इसके बाद हम सीखेंगे कि अगर आपको एकदम स्क्रैच या जीरो से शुरू करना है, एकदम नया फाइल शुरू करना है, तो आप कैसे करें। तो उसके लिए आपको फाइल पे जाना है, आपको न्यू पे क्लिक करना है, और आपको जिस भी टाइप का डॉक्यूमेंट का लेआउट चाहिए आप सेलेक्ट करो और ओपन करो। तो जैसे मैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया, मतलब इस डॉक्यूमेंट पे कुछ भी लिखा नहीं होगा, और यहाँ पे आप अपना काम शुरू कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंट में टाइप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ और बेसिक एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे। तो वर्ड में आपको यहाँ पे टॉप में जो ये ब्लू कलर का बार दिख रहा है इसके बारे में सीखेंगे हम। तो इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। आप नाम देखना हो तो आप इस एरो पे क्लिक करो यहाँ पे आके, तो आपको नाम दिखेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि चार ऑप्शंस ऑलरेडी इनेबल्ड है, उनके आगे टिक मार्क है। तो ये चारों ऑप्शन आपको यहाँ लेफ्ट साइड में दिखेंगे। जैसे ऑटोमेटिक सेव वाला ऑप्शन यहाँ पे है, सेव वाला ऑप्शन देखो ये स्टार्टिंग में है, ये लोगो जो दिख रहा है, अंडू और रीडू के भी यहाँ पे ऑप्शन है दोनों। ओके, तो यहाँ पे हम वन बाय वन जो दूसरे ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑटोमेटिक सेव। तो इससे क्या है कि देखो ये इनेबल्ड है, तो यहाँ पे अभी के लिए मैंने ऑफ कर रखा है, बट आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो
और अगर आप चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, तो इन केस आप गलती से भूल जाओ सेव करना, आपने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐड की है डॉक्यूमेंट में और गलती से वो फाइल क्लोज होगी बिना सेव हुए, तो आपका डेटा लूज हो जाएगा, राइट? आप वो डेटा खो दोगे। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप ऑटो सेव वाला ऑप्शन है उसको इनेबल कर सकते हो। ओके, तो आप जैसे ही ऑन करोगे तो यहाँ पे ये वन ड्राइव में आपको एक फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कुछ पर्टिकुलर इंटरवल जैसे 5 मिनट या 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये सेव होता रहेगा, आपको अलग से सेव नहीं करना पड़ेगा। बट इसके लिए यहाँ पे आपको ये वन ड्राइव पे एक फाइल ओपन आपको अपलोड करनी पड़ेगी, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट एडिट करोगे वो वन ड्राइव पे एडिट होगा। ओके, और आपको अगर जानना है कि आपका डॉक्यूमेंट है ऑटोमेटिकली कितने मिनट्स के बाद सेव हो रहा है, तो इसके लिए आपको फाइल्स पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शंस पे जाना है और नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे जाना है। तो देखो यहाँ पे जो सेव डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑप्शन दिख रहा है, सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स, तो बाई डिफॉल्ट आपको यहाँ पे 10 मिनट्स के बाद आपका डॉक्यूमेंट ऑटो सेव होगा। इसको आप 2 मिनट्स भी कर सकते हो, तो 2 करके मैं ओके करूँगा। और अगर मेरा ऑटो सेव वाला ऑप्शन ऑन है, यहाँ पे मेरी वन ड्राइव में फाइल अगर अपलोडेड है, तो मेरा डॉक्यूमेंट हर 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ओके, बट अभी के लिए मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ, बट आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। नेक्स्ट है न्यू वाला आइकन, तो अगर आप इस पे टिक मार्क करोगे तो देखो यहाँ पे आपके क्विक एक्सेस टूल बार में एक नया टूल या नया आइकन आ गया है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो आपको यहाँ फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्विक एक्सेस टूल बार से भी इस पे क्लिक करके आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ऐसे ही आप ओपन वाला ऑप्शन है तो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन का आइकन आ जाएगा, उस पे क्लिक करके आप फाइल्स ओपन कर सकते हो। सेव वाले में क्या है कि जैसे देखो यहाँ पे सेव वाला ऑलरेडी इनेबल्ड है, तो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो, आप मान लो कि आपको खुद से सेव करना है डॉक्यूमेंट बीच बीच में, तो आप यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल एस करके भी आप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। नेक्स्ट ईमेल वाला ऑप्शन, तो हम इसको इनेबल करते हैं। तो देखो यहाँ पे ईमेल का लोगो आ गया, तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट किसी को भेजना है तो इस आइकन की मदद से आप इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो देखो ये आउटलुक खुल जाएगा और आपकी फाइल है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, मतलब आपको अलग से फाइल वगैरह ऐड नहीं करनी। आपको किसको भेजना है बस वो टाइप करना है और आप अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। अगर मेरे को ये देखना है कि अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये कैसा दिखेगा, ओके, ऑल्दो जो हम व्यू देख रहे हैं वो आपका प्रिंट लेआउट व्यू ही है, बट फिर भी आपको अगर प्रिंट लेआउट व्यू अलग से देखना है, प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल एंड पी प्रेस करना है। तो देखो ये प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा, आप कंट्रोल एंड F2 प्रेस करके भी वहां जा सकते हो। इसके अलावा आपको एक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे जो एक शॉर्टकट दिया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू का, उसको इनेबल करो। तो देखो यहाँ पे एक नया टूल आ गया या ऑप्शन आ गया, आप इस पे क्लिक करके भी आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। ओके, आप बैक एरो पे क्लिक करके वापस आ जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन दिखेगा। ओके, उसको जैसे अब मैं ओके यहाँ पे लेट से मैं कुछ मिस्टेक कर देता हूँ, जैसे ग्रुप की जगह मैं यहाँ आई डाल देता हूँ, वन की जगह आई डाल देता हूँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा। तो सबसे पहले ये बता रहा है कि देखो यहाँ क्लिक प्रोग्राम से, तो यहाँ पे कुछ इश्यू दिख रहा है इसको, तो यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करो, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे दूसरा जो GRIOUP है, जो एक्चुअली ग्रुप था, तो इसमें भी इसको इश्यू दिख रहा है या कुछ एरर दिख रहा है, मतलब स्पेलिंग से कुछ मिस्टेक्स दिख रही है। तो यहाँ पे आप राइट में देख सकते हो एडिटर में कि ये रेड वाला, इसके नीचे रेड लाइन आ गया है, मतलब इसमें मिस्टेक है। और सजेशंस में देखोगे तो आपको ये बता रहा है कि आपको इसकी जगह आपको टाइप करना है ग्रुप GROUP, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो वो करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, तो देखो यहाँ पे इसको INE में कुछ मिस्टेक नजर आ रहा है और इसके लिए बहुत सारे सजेशन दे रहे हैं, जैसे आप इन कर सकते हो, लाइन कर सकते हो, फाइन कर सकते हो, बट ये तीनों ही सजेशन यहाँ काम के नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ये था वन, तो आपको आई हटाना और वन करना है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी ये हर एक मिस्टेक को रिकवर करे, बट ये अपनी साइड से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में जो भी मिस्टेक्स हो उनको करेक्ट करे, उनके लिए सजेशन दे। ऑलराइट, तो ये ऑप्शन भी काफी यूजफुल है। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला ऑप्शन हुआ, इसके लिए शॉर्टकट है F7 की। ओके,
इसके अलावा आप रीड अलाउड वाला ऑप्शन है उसको भी यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये आ गया आइकन, तो मैं जैसे मेरे को ये रीड अलाउड मतलब ये खुद से पढ़ेगा, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ How to open Microsoft Word on your computer. ये वन बाय वन रीड, क्लिक द स्टार्ट बटन व्हिच इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर। तो देखो मैंने यहाँ से इसको स्टॉप कर दिया है, यहाँ पे आपको कुछ अलग से ऑप्शंस दिखेंगे। तो इससे क्या है कि आप पिछले पैराग्राफ पे जा सकते हो, इससे आगे वाले पैराग्राफ पे। इसके यहाँ पे देखो सेटिंग्स में आप रीडिंग स्पीड मतलब जो पढ़ रहा है ऑटोमेटिकली जो रोबोटिक आवाज़ है उसको आप फास्ट या स्लो भी कर सकते हो। उसके नीचे आपको वॉइस सेलेक्शन में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे मेरे को यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, डेविड, जीरा एंड मार्क। तो आपको जो भी जिसकी भी आवाज़ अच्छी लग रही है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप देख सकते हो। तो ये ऑप्शन तब यूजफुल रहेगा, लेट से आप कोई बुक पढ़ रहे हो और आपको एकदम से पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए, बस आपको बस सुनना है, तो वहाँ पे आप इस ऑप्शन को इनेबल करके बस सुन सकते हो आराम से। जिसकी भी वॉइस में सुनना है, जो जो ऑप्शन मिल रहे हैं आप उसमें जो भी बेस्ट वॉइस है उसको सेलेक्ट करके आप पूरा डॉक्यूमेंट या कोई स्टोरी है, लेट से कोई बुक है, तो वो अच्छे से आप सुन सकते हो। उसके बाद आपको नीचे अंडू एंड रीडू के ऑप्शन दिखेंगे। तो देखो ये ऑलरेडी इनेबल्ड है, मतलब आप क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे लेफ्ट में जाओगे तो आपको अंडू टाइपिंग दिखेगा और यहाँ पे रीडू का दिखेगा। तो एक पर्टिकुलर चेंज पे आपको जाना है तो आप डायरेक्टली देखो कोई सा भी एक चेंज पे जाना है तो वहाँ जा सकते हो। ओके, तो जैसे मेरे को ग्रामर चेंज से पहले जाना है तो वहाँ पे चला जाऊँगा। तो देखो जो भी हमने मिस्टेक्स की थी, जैसे ग्रुप वाला है, आई एन ई है, तो ये मिस्टेक्स है वो ठीक नहीं हुई है। ओके, तो ऐसे आप जा सकते हो, आप रीडू भी कर सकते हो, मतलब जो भी मैंने अंडू किया है उसको वापस करना है। तो देखो मैं इसको क्लिक करूंगा, ओके, और फिर से क्लिक करूंगा, तो देखो ये ग्रुप वाला करेक्ट हो गया, फिर आई एन ई करेक्ट हो जाएगा। तो ये अंडू एंड रिडू के शॉर्टकट्स है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। उसके नीचे आप ड्रो टेबल का ऑप्शन देख सकते हो, तो देखो यहाँ पे ड्रो टेबल का आइकन आया, तो ये भी हम इंसर्ट वाली टैब में एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए मैं इसको शॉर्ट ब्रीफली बता देता हूँ। जैसे देखो ये ड्रो टेबल का आइकन आया, मैं यहाँ पे एक टेबल बना दिया हूँ, इस पर मान लो कि मेरे को जिस भी टाइप का टेबल बनाना है, जितने भी आपको कॉलम इंसर्ट करनी है, रोज इंसर्ट करने हैं, आप बना सकते हो। तो देखो ये एक टेबल बन गया, राइट। तो ये टेबल का ऑप्शन था। नेक्स्ट आपको टच एंड माउस मोड दिखेगा, इसको आप इनेबल करो। तो देखो यहाँ पे आपको टच एंड माउस मोड दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे टच एंड माउस मोड पे आप एरो पे क्लिक करो तो दो ऑप्शन दिखेंगे, माउस एंड टच, और अभी हमारा माउस वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है। ओके, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन खुद से भी पढ़ सकते हो, बट मैं बता देता हूँ कि माउस वाले में क्या है, आपको जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ये बी आई यू, इनके बीच में अभी गैप है वो कम है। बट टच में क्या होता है कि आपका अगर लैपटॉप टच स्क्रीन वाला है और आप उंगली टच कर करके ऑप्शन है वो यूज करना चाह रहे हो, तो बेसिकली कर्जर में क्या है, इसको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, बट आपकी उंगली क्योंकि ये बड़ी होती है कर्जर से, तो दो ऑप्शंस के बीच में स्पेस होना जरूरी है, ताकि मान लो मेरे को कुछ बोल्ड करना है बट उंगली आई पे क्लिक हो गई तो वो इटैलिक हो जाएगा, तो मतलब वो हमारे लिए थोड़ा यूजर फ्रेंडली नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये टच वाला ऑप्शन आप इनेबल करोगे तो देखो ऑप्शंस के बीच में गैप बढ़ जाएगा। तो जैसे मैं इसको इनेबल करूँ तो देखो अभी बी आई यू इन सब के बीच में गैप बढ़ रहा है, मतलब मैं अगर अपना टच स्क्रीन यूज करूँ तो उंगली से भी अच्छे से यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो बोल्ड और आई के बीच में काफी स्पेस है, तो ये यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी काफी हेल्पफुल है अगर आपका सिस्टम है वो टच स्क्रीन सपोर्ट कर रहा है तो। ऑलराइट, अभी के लिए हम माउस वाले आइकन पे ही आ जाते हैं, फिर से माउस वाले मोड पे ही। ओके, ऑलराइट, उसके बाद आपको नीचे मोर कमांड्स दिखेगा, उसको आप सिलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो राइट में आपको दिख रहा है वो सब ऑप्शंस हमने इनेबल कर रखे हैं, लेफ्ट में है वो सारे बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो जितने भी ऑप्शंस हैं आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप जब डॉक्यूमेंटेशन या कुछ कर रहे हो तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप उनको तुरंत ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो मेरे को मान लो कि यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल इसको ऐड करना है, तो इसको सेलेक्ट करूंगा और ऐड कर दूंगा, तो देखो टेक्स्ट स्टाइल आ गया। ओके, और अगर मेरे को मान लो ड्रो टेबल उसको रिमूव करना है तो इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर दूंगा। इसके अलावा मान लो मेरे को सेव वाला ऑप्शन है, इसको नीचे लाना है अंडू रीडू के बाद में, तो देखो इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको डाउन कर दूंगा, इसके बाद में ओके कर दूंगा। तो देखो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हो गए, जैसे सेव वाला है वो अंडू रीडू के बाद आ गया,
और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है स्टाइल्स वाला, तो हमने जो भी चेंज किया है आप यहाँ पे मोर कमांड से थोड़ा और इजीली चेंजेस कर सकते हो। ओके आप यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हो, रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूल बार। यस ओके, तो देखो आपका क्विक एक्सेस टूल बार है वो रीसेट हो गया, मतलब बाय डिफॉल्ट वर्ड में जो क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शंस थे बस वही यहाँ पे आ गए। तो ये सब थे क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शन। इसका लास्ट ऑप्शन है वो शो बिलो द रिबन, मतलब रिबन के नीचे दिखाना है। तो अभी आपका टूल बार के जो ऑप्शन है वो रिबन, मतलब ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है ना इसको हम रिबन बोल रहे हैं, जिसमें ऑप्शन है बहुत सारे टैब्स है, होम इनसाइड। अगर आपको क्विक एक्सेस टूल बार उसके नीचे दिखाना है तो आप देखो यहाँ पे क्लिक करो शो बिलो द रिबन, तो देखो ये सारे ऑप्शन नीचे आ गए। अगर आपको फिर से ऊपर लेके जाना है क्योंकि ऊपर ही अच्छा लग रहा है, तो शो अबव द रिबन पे क्लिक करके आप इसे ऊपर ले जा सकते हो। इसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार में आपको यहाँ पर राइट में आपकी फाइल का नाम दिखेगा, जैसे मेरी फाइल का नाम है हाउ टू स्टार्ट। और यहाँ पे सेंटर में क्विक एक्सेस टूल बार के सेंटर में आपको दिखेगा सर्च ऑप्शन। ओके तो यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करोगे उसके मल्टीपल वेराइटीज ऑफ रिजल्ट दिखेंगे। तो जैसे मैं वर्ड सर्च कर रहा हूँ तो देखो इसका बेस्ट एक्शन दिखा रहा है वर्ड काउंट, मतलब वर्ड में वर्ड काउंट नाम का कुछ ऑप्शन है। तो इन टैब्स में से कोई एक टैब के अंदर वर्ड काउंट का ऑप्शन है जो इस पर्टिकुलर सर्च के हिसाब से बेस्ट इंपॉर्टेंट है, बेस्ट एक्शन में दिखा रहा है। और भी कुछ ऑप्शंस दिखा रहे हैं जैसे इनसाइड वर्ड आर्ट, क्योंकि उसमें भी वर्ड शब्द है और इस डॉक्यूमेंट में दो जगह वर्ड शब्द यूज हुआ है। और माइक्रोसॉफ्ट का जो खुद से डिक्शनरी है या जो भी उनका गाइडलाइंस है उसमें भी वर्ड है वो 10 जगह यूज हो रहा है, गेट हेल्प यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एंड में आपको मोर सर्च रिजल्ट फॉर वर्ड, उसमें मतलब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट है वो गूगल होगा, मतलब आपने जो भी सर्च किया है। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी मेजर आर्टिकल्स है वो सब ओपन हो गए हैं। तो ये सर्च ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग टाइप की सर्च आप कर सकते हो। एक चीज बता देता हूँ कि ये सर्च ऑप्शन है आपके होम टैब में यहाँ पे जो फाइंड ऑप्शन मिलेगा इससे काफी डिफरेंट है। फाइंड है वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट में क्या है वो सब सिर्फ वो बताएगा। ओके जैसे मैं यहाँ वर्ड सर्च करूंगा तो देखो जहाँ सर्च बता रहा था कि आपके डॉक्यूमेंट में दो जगह वर्ड शब्द है, वैसे ही फाइंड सिर्फ उतना ही बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पे ये पर्टिकुलर शब्द है। तो वर्ड है वो दो जगह है, जैसे देखो दोनों जगह हाईलाइट हो गया, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये हुआ सर्च ऑप्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी आपने साइन इन कर रखा है तो आपका आईडी दिखेगा। और उसके बाद आप ऑप्शंस आते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। तो वो जानने से पहले हम लोग रिबन के बारे में जानते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है आपको लाइट व्हाइटिश कलर में, ये ही रिबन होता है। ओके और रिबन में आपको बहुत सारे टैब्स मिलेंगे, जैसे फाइल टैब है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे टैब्स कहलाते हैं। ओके और इन हर एक टैब में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सेक्शंस मिलेंगे, जैसे क्लिपबोर्ड एक सेक्शन है, उसके अंदर पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये सब ऑप्शंस है। ऐसे फॉन्ट वाले सेक्शन में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है। तो जैसे जैसे हम आगे वाले लेक्चर्स में जाएंगे ये सारे टैब्स है उनको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे विथ एग्जाम्पल्स, बट अभी के लिए हम जस्ट रिबन से रिलेटेड ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। तो आपने यहाँ रिबन के बारे में जाना, अब फिर से हम क्विक एक्सेस टूल बार में जो ये ऑप्शन दिख रहा था रिबन डिस्प्ले ऑप्शन उसको सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे ऑटो हाइड रिबन, इस पर क्लिक करूंगा तो देखो अपना रिबन है वो हाइड हो गया है। अगर आपको इसको फिर से दिखाना है तो आपको यहाँ पे आना है फिर से रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे। और आप अगर आपको सिर्फ टैब्स दिखानी है तो आप शो टैब्स करो, तो देखो सिर्फ टैब्स दिख रही है होम, इंसर्ट, डिजाइन। आप कोई भी टैब पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस भी दिखेंगे, आप फिर से डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो वो चला जाएगा। आपको अगर तीसरा वाला ऑप्शन चाहिए शो टैब्स एंड कमांड्स, तो उसमें टैब्स भी दिखेगी और उसके नीचे के कमांड्स या ऑप्शंस है वो भी दिखेंगे। तो देखो वो आ गया। तो ये एक ऑप्शन है, आप अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे हो आपको किस टाइप से रिबन चाहिए एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो ये रिबन में एकदम नीचे राइट बॉटम में आपको ऑप्शन दिखेगा कोलप्स द रिबन, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका रिबन कोलप्स हो जाएगा, सिर्फ टैब्स दिखेंगे आपको। अगर आपको फिर से लाना है तो कोई ऐप टैब पे आप डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर आप क्विक एक्सेस टूल बार में ये जो ऑप्शन है उससे भी आप वापस ला सकते हो।
तो ये हुआ कि आप कैसे रिबन को पिन या अनपिन कर सकते हो। नेक्स्ट हम सीखेंगे रूलर के बारे में। तो इस डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे देखो, ये जो एक आड़ी रूलर या स्केल टाइप दिख रही है, इसको हम हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं। और यहाँ पे साइड में जो खड़ी रूलर दिख रही है, इसको हम वर्टिकल रूलर बोलते हैं। उसी और इस रूलर में आपको नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे। और यहाँ पे रूलर दो टाइप के कलर्स में दिख रहा है आपको। देखो यहाँ इस लेफ्ट एज में यहाँ पे थोड़ा सा डार्क टाइप का दिख रहा है रूलर, बीच में थोड़ा व्हाइट है, फिर यहाँ पे राइट साइड में डार्क है। वैसे ही आपको जो वर्टिकल रूलर है वो स्टार्टिंग में एकदम टॉप पे आपको थोड़ा डार्क दिख रहा है, फिर थोड़ा व्हाइट है, फिर से आपको एंड में भी थोड़ा डार्क दिखेगा। तो ये जो कलर है, जो भी डार्क वाला कलर है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो आप देखो लेफ्ट में कुछ मार्जिन छोड़ते हो, राइट में कुछ मार्जिन छोड़ते हो, और वैसे ही आप एडिट करते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक रेंडम टेक्स्ट एडिट कर रहा हूँ, तो आर ए एन डी लिख के आप एक रेंडम यहाँ पे पैराग्राफ से वो जनरेट कर सकते हो। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो हाईलाइटेड मार्जिन है उससे लेफ्ट में टेक्स्ट नहीं जा रहा है, ऐसे ही राइट में जो ये हाईलाइटेड मार्जिन है उधर टेक्स्ट नहीं जा रहा है। मतलब ये मार्जिन से उससे हम अपने पेज में कितना स्पेस छोड़ना है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मान लो कि मेरे को अपने पेज में बहुत ही कम मार्जिन छोड़ना है, बहुत सारा टेक्स्ट डेटा ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हो। मान लो मेरे को इसको लेफ्ट में और थोड़ा डेटा लेके जाना है, तो इसके लिए आप यहाँ हॉरिजॉन्टल मार्जिन पे आओ, एकदम सेंटर में आओ। तो वो लेफ्ट मार्जिन नाम दिख रहा है, अब इस पे आप क्लिक करके इसको लेफ्ट में ड्रैग कर दूं, तो देखो ये लेफ्ट में एडजस्ट हो गया। इसी आप राइट वाले मार्जिन को भी राइट में ले जा सकते हो। तो देखो अभी मेरा मार्जिन है वो छोटा हो गया दोनों लेफ्ट और राइट साइड में। ऐसे ही आप जो वर्टिकल रूलर है उसका भी टॉप और बॉटम मार्जिन है उसको कम कर सकते हो। राइट, जैसे इसको कम करूंगा, अभी अपना टेक्स्ट है नहीं इधर, बट अगर ये होता तो इससे आपको पता चलता कि बॉटम में मार्जिन है वो कैसे एडजस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि आप कैसे रूलर को यूज कर सकते हो, आप कैसे मार्जिन ऐड कर सकते हो दोनों वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रूलर्स में। इसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नीचे देखो तो एक बार और आ रहा है, इस बार को हम बोलते हैं स्टेटस बार। आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको नाम दिखेगा कस्टमाइज स्टेटस बार। ओके, और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जो जो ऑप्शन सेलेक्टेड है, जैसे पेज नंबर, तो आप एकदम बॉटम में यह देख पा रहे हो पेज 1 ऑफ 1 है। वैसे आप वर्ड काउंट, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में टोटल कितने वर्ड हैं, जैसे देख पा रहे हो 295 वर्ड्स, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये सारे ऑप्शन से वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। आप कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो ये सब चीजें ट्रैक करके आप और अच्छे से यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन को। ऑलराइट, तो इसमें काफी ऑप्शन है, जैसे वर्ड काउंट, उसके बाद कैरेक्टर काउंट्स, कैरेक्टर मतलब ABC ऐसे कितने टोटल लेटर्स है। जैसे इसमें 16 0 से मतलब 1607 कैरेक्टर्स है। वैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने एंड से। मतलब आप स्टेटस बार को खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हो या सेटिंग चेंज कर सकते हो। उसके बाद स्टेटस बार के राइट में आपको अलग अलग टाइप के पेज व्यूज दिखेंगे। तो सबसे पहले जो सेलेक्टेड व्यू है वो है आपका प्रिंट लेआउट, मतलब आप अगर इसको प्रिंट करवाओगे तो किस हिसाब से दिखेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पेज बाई पेज ही इस टाइप से दिखेगा। ओके, आप जैसे आपको दूसरे पेज में जाना है, मान लो कि मैं और थोड़ा टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ इससे रेंडम टेक्स्ट जनरेट हो रहा है। 10 का मतलब कि यहाँ पे 10 पैराग्राफ्स होंगे, 6 मतलब हर एक पैराग्राफ में 6 लाइन होगी। ओके, एंटर करूंगा तो देखो ये टोटल 10 पैराग्राफ होगी और हर एक पैराग्राफ में 6 लाइन है। आपको पता करना है टोटल कितने पेजेस है, तो देखो यहाँ पे पेज 1 ऑफ 2 मतलब टोटल 2 पेजेस है और अभी हम पेज 1 पे हैं। देखो जैसे अभी पेज 1 पे हैं और अभी हम पेज 2 पे हैं। ऑलराइट, तो ये जो व्यू है इसको हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट। आपको स्टार्टिंग में फोकस मोड व्यू दिखेगा, आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट है वो हाईलाइट हो रहा है और बाकी चीजें हैं वो डार्क हो गई है। मतलब आपका डॉक्यूमेंट है उसी पे फोकस हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको फोकस व्यू बोलते हैं। आप ESC की प्रेस करके वापस प्रिंट लेआउट वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। फोकस के राइट में आपको रीड मोड दिखेगा, आप इस पे क्लिक करो तो देखो मतलब आप रीड कर रहे हो, कोई बुक रीड कर रहे हो, तो आप क्या करते हो
एक एक पेज को पलटते हो, तो वैसे ही आप देखो यहाँ पे जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करो फिर लेफ्ट में जा सकते हो, तो ये थोड़ा रीड व्यू में हो गया, मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा और मतलब यूजर फ्रेंडली लगेगा। ओके, आप फिर से प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर सकते हो यहाँ, फिर आपको इसके राइट में आपको वेब लेआउट का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट एक वेब पेज में दिखे तो किस हिसाब से दिखेगा, तो वो आप वेब लेआउट वाले व्यू से देख सकते हो। राइट, फिर से हम प्रिंट लेआउट वाले ऑप्शन पे आते हैं। इन व्यूज के राइट में आपको यहाँ जूम स्लाइडर दिखेगा। ओके, माइनस, उसके बाद में आपको एक लाइन दिख रही है, उसके बाद आपको प्लस दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जूम स्लाइडर है, उससे हम अपना जो टेक्स्ट है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, मतलब बड़ा करके या छोटा करके देख सकते हैं। जैसे अभी 100% पे है, मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो देखो ये बड़ा होते जा रहा है। ऑलराइट, माइनस पे क्लिक करूंगा तो ये छोटा होते जा रहा है। इसके अलावा हम ये जो स्लाइडर है इस पे डबल क्लिक करके भी इसको हम लेफ्ट या राइट में कर सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई जूम स्लाइडर की। तो आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप कैसे मतलब जूम इन और जूम आउट भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एकदम डॉक्यूमेंट के राइट में आपको एक स्लाइडर टाइप दिख रहा है, मतलब बार दिख रहा है जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं। ऐसे इसको हम बोलते हैं स्क्रोल बार। ओके, तो देखो इस पे मैं कहीं भी क्लिक करके इसको ऊपर नीचे से स्क्रोल कर सकता हूँ, या फिर ये जो ऊपर वाला एरो है इस पे क्लिक करके मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर सकता हूँ, नीचे वाले एरो पे क्लिक करके इसको धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ। तो ये हुआ स्क्रॉल बार। आई होप इस वीडियो में हमने वर्ड के जो भी बेसिक एलिमेंट्स कवर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए हैं। ये वीडियो अगर आपके लिए मददगार रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपका कोई भी क्वेश्चंस या कुछ भी आपका फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।